यदि आपका भी खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है और आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एक FD अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर अपने मोबाइल में BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पिन डालकर लॉगिन हो जाएंगे। देखिए ये मेरा एक सेविंग अकाउंट, अभी हमारे सेविंग अकाउंट का बैलेंस है 2,133.60 रुपया। वैसे तो इसके होम पेज पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ नीचे में बहुत सारे ऑप्शन हैं देख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना है। तो इसके लिए यहाँ देखिए एक ऑप्शन है फिक्स रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें क्लिक करना है। तो देखिए अभी यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से पहला वाला ऑप्शन है ओपन डिपॉजिट, ओपन ए न्यू FD RD अकाउंट इंस्टेंटली एंड ऑब्टेन रिसीट ऑन द गो। तो FD अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ जो लिखा है ओपन द अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डिपॉजिट के अंदर भी कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ लिखा है व्हाट डू यू वांट, पहला है सेव टैक्सेस। यदि हम इसे सेलेक्ट करके FD अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें दिक्कत यह है कि जो हम FD अकाउंट ओपन करेंगे मिनिमम 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। यदि हमें बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो हम अपने FD अकाउंट को क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर ऐसा FD अकाउंट चुनना है जिसे हम जब चाहें तब क्लोज भी कर सकें। तो इसके लिए यहाँ देखिए दूसरे नाम दिया है डिमांड कोलैप डिपॉजिट, इसको यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें देखिए लिखा है कैन बी विड्रॉ एनी टाइम प्री मेच्योरली, यानी मेच्योरिटी से पहले ही हम कभी भी अपने इस FD अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे दिया है प्रोसीड, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एग्री करेंगे। तो यहाँ पर देखिए FD अकाउंट के बहुत सारे स्कीम आ गए हैं। पहला है बड़ौदा तिरंगा प्लस डिपॉजिट स्कीम, जो कि है 399 दिनों के लिए। इसी तरीके से इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी आपको पसंद है उसे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा इसे। देखिए फिक्स डिपॉजिट कम्युनिटी इंटरेस्ट री इन्वेस्टमेंट, इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि है 12 महीनों के लिए। मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट है 1,000 रुपये, डिपॉजिट अमाउंट इन मल्टीपल है 100 रुपये, यानी मिनिमम आप 1,000 रुपये से FD अकाउंट ओपन कर ही सकते हैं। उसके बाद 100-100 रुपये के मल्टीप्लाई में आप FD अकाउंट को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 1,000 के बाद है 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500, इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। पीरियड ऑफ डिपॉजिट है मिनिमम 12 महीने के लिए और मैक्सिमम है 120 महीने के लिए। यहाँ नीचे लिखा है इन्वेस्ट इन दिस डिपॉजिट, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ दिया है सेलेक्ट अमाउंट, मैं यहाँ से करता हूँ 1,000 रुपया। आप जितने का चाहें उतने का FD अकाउंट बना सकते हैं। पीरियड में हम डाल देते हैं 1 साल के लिए। गेट इंटरेस्ट रेट, यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो यहाँ पर हम FD अकाउंट 12 महीने के लिए खोल रहे हैं उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 6.75% का। अब यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर कुछ और ऑप्शन खुल गए हैं। पहला है ऑटो रिन्यूअल, यदि आप चाहते हैं कि आपके FD का मेच्योरिटी पूरा होने के बाद ऑटो रिन्यूअल हो जाए तो इसे आप इस तरीके से ऑन कर सकते हैं। हालांकि मैं ऑटो रिन्यूअल को ऑफ कर देता हूँ। यदि आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो इसे आप यहाँ से एस कर दीजिए। आपके सेविंग अकाउंट में जो नॉमिनी है उसे ही आप रखना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग नॉमिनी पर क्लिक करना है, और यदि आप किसी और नॉमिनी को रखना चाहते हैं तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करना है। हालांकि अभी मैं नॉमिनी को यहाँ से बंद कर देता हूँ। नीचे दिया है हमारा सेविंग अकाउंट और अकाउंट का बैलेंस, हमारे इसी सेविंग अकाउंट से पैसे डेबिट होंगे। सबसे नीचे दिया है ओपन डिपॉजिट, यदि हम इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद एस करेंगे। अब यहाँ पर आ गया है कंफर्मेशन डिटेल, तो एक बार आप सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिए, अमाउंट पीरियड इंटरेस्ट रेट मेच्योरिटी डेट, ये सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद सबसे नीचे दिया है कंफर्म, यहाँ देखिए सबसे नीचे दिया है कंफर्म, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ डालना है BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन का ट्रांजेक्शन पिन। जैसे ही हम ट्रांजेक्शन पिन डालेंगे तो छोटा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा FD अकाउंट ओपन हो चुका है, यहाँ पर सर्वे है इसे हम स्किप कर देते हैं। यहाँ लिखा है डिपॉजिट सक्सेसफुली, इन्वेस्ट अमाउंट 1,000, मेच्योरिटी डेट यहाँ पे है, ये है हमारा डिपॉजिट अकाउंट नंबर यानी FD अकाउंट नंबर, ये है आज का डेट तथा टाइम, मेच्योरिटी अमाउंट है 1,069 रुपया, और नीचे दिया है रेफरेंस नंबर। यदि हम इसे थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं तो यहाँ सबसे नीचे दिया है डन, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारे FD अकाउंट का रिसिप्ट, इसे हम चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि हम पेज को ऊपर खिसकाएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है डाउनलोड, यदि हम इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद व्यू पे क्लिक करेंगे
तो हमारे एफडी अकाउंट का रिसिप्ट यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से डन पे क्लिक करेंगे। अब यदि हम व्यू ऑल अकाउंट्स पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हमारा एफडी अकाउंट बन चुका होगा। देखिए यहाँ पर चार सेविंग अकाउंट्स हो रहा है और नीचे दिया है टू फिक्स डिपॉजिट। इसमें यदि हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो एफडी अकाउंट्स हो रहा है, ये पहले का है और ये है अभी का। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर अपना एक एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने पैसों पे अच्छा खासा इंटरेस्ट पा सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।